नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। मामला जिला झांसी के अंतर्गत गरौठा का है, जहां पर जल विभाग के ठेकेदार की लापरवाही से गरौठा की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, जहां एक ओर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च करके हर घर नल हर घर जल योजना के माध्यम से करोड़ों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं जिला झांसी के गरौठा में पेयजल के लिए जो नई पाइपलाइन डाली जा रही है वह केवल जेसीबी ड्राइवर के भरोसे ही डाली जा रही है, जिसकी वजह से जगह जगह नगर के पेयजल के लिए बड़ी वर्तमान में सप्लाई करने वाली पुरानी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। न्यायालय, कोतवाली पुलिस, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी रास्तों पर पानी भरा हुआ है। इसी रास्ते से विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे छोड़ देने की वजह से बड़े बड़े वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आपको बताते चले कि तहसील के सबसे बड़े अधिकारी इसी मार्ग से अपने बंगले से ऑफिस को निकलते हैं, लेकिन वो भी मौन मुद्रा में है। देखिए अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24।